विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के रिगार्डिंग बोकारो और धनबाद का जितना भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है जो BBMKU यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आता है, सेशन 20 से 23 के लिए जो सिलेबस है पुराना सिलेबस के मुकाबले इस साल का सिलेबस आप लोगों का बदल दिया है। ठीक है, पुराना सिलेबस नॉर्मल सिलेबस था जो विनोवा भावे यूनिवर्सिटी से मिलता जुलता था, लेकिन इस बार से इस सेशन से ये जो नया सिलेबस डाला गया है वो पिछले सिलेबस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंज है। ठीक है, तो हम आप लोगों को अंडर ग्रेजुएशन यानी UG सेमेस्टर 2 सेशन 2020 से 23 का आज सिलेबस बताते हैं कि आप लोगों को एक्चुअल में सेमेस्टर 2 में पढ़ना क्या क्या है, और पूरा डिटेल्ड में बताएंगे, सिलेबस के बारे में बताएंगे, सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है पढ़ना ये बताएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का है ये बताएंगे, कौन सा सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सा बेस्ट बुक्स है कुछ बुक्स का नाम बताएंगे आप लोगों को, और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उस बुक्स में आखिरकार कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को आज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लोग को बताते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। देखिए, सिलेबस समझाने के लिए हम यहाँ लिखे हैं कोर्स कोड, यहाँ लिखे हैं टाइप्स, यहाँ लिखे हैं सब्जेक्ट। ये जो आपका कोर्स कोड है, सबसे पहला कोर्स कोड 203 HC लिखे हैं टाइप में, इसका मतलब है ऑनर्स पेपर है, और कौन सा लैंग्वेज का, कोर लैंग्वेज का। ऑनर्स पेपर है कौन सा लैंग्वेज का, कोर लैंग्वेज का। जैसे आप लोगों का सेमेस्टर 1 में दो ऑनर्स पेपर कोर लैंग्वेज था, एक था आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और दूसरा था बिजनेस लॉ। यहाँ भी आप लोगों को दो कोर पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए, एक कोर पेपर का कोड क्या है 203 और दूसरा कोर पेपर का कोड क्या है 204। ठीक है, ऑनर्स कोर, ऑनर्स कोर, जो पहला ऑनर्स पेपर यानी जो पहला कोर पेपर है आप लोगों को पढ़ने के लिए वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है पढ़ने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है पढ़ने के लिए। ठीक, जो दूसरा ऑनर्स पेपर है आप लोगों का वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। याद है सेमेस्टर 1 में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पढ़े थे, ठीक है, यहाँ हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पढ़ना है। ठीक, ये दो ऑनर्स पेपर है मेरा, दो क्या है मेरा, ये ऑनर्स पेपर यानी कोर पेपर है। ठीक है, इसके बाद जर्नल इलेक्टिव पेपर है, जर्नल इलेक्टिव पेपर का कोड है 202। जर्नल इलेक्टिव में आप लोगों को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये पढ़ना है। ठीक है, फिर ये हो गया, तीन पेपर हो गया, और एक और पेपर पढ़ना है 202 जिसका नाम है AECC। AECC का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहैंस्ड कंपलसरी कोर्स। देखिए AECC जो होता है, जब भी आपको पूरा ग्रेजुएशन में AECC दिखेगा, ये हमेशा 50 मार्क्स का सिलेबस होगा। कितना मार्क्स का सिलेबस होगा, ये AECC हमेशा 50 मार्क्स का सिलेबस आप लोगों का होगा। ठीक है ना, तो AECC में पढ़ना है इन्वायरमेंटल साइंस यानी EVS। ठीक है, अब जरा एक सिलेबस के बारे में जान गए, टोटल चार पेपर पढ़ना है, चार में से ये दो पेपर जो है वो मेरा ऑनर्स पेपर है, एक पेपर जो है वो मेरा जर्नल इलेक्टिव है, और एक पेपर जो है वो AECC है। चार पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 2 पे, क्लियर है। चलो अब आप लोगों को बताते हैं कि कौन सा पेपर कितना मार्क्स का है। ये जो पहला कोर पेपर है ये 100 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। ये भी पेपर आपका 100 मार्क्स का है, ये भी पेपर आपका 100 मार्क्स का है, और ये पेपर आप लोगों का 50 मार्क्स का। अब जो जो पेपर 100 मार्क्स का होता है उसके लिए याद रखिएगा, 100 मार्क्स का पेपर में 80 नंबर का एक्सटर्नल होता है और 20 नंबर का इंटरनल। तो ये इसमें भी 20 नंबर का इंटरनल है और 80 नंबर का एक्सटर्नल, इसमें भी 20 नंबर का इंटरनल है 80 नंबर का एक्सटर्नल, इसमें भी 20 नंबर का इंटरनल 80 नंबर का सॉरी 20 का इंटरनल और 80 का एक्सटर्नल, और ये जो है 50 नंबर का इसमें 10 नंबर का इंटरनल, ठीक है, और फिर 50 नंबर का एक्सटर्नल, सॉरी 40 नंबर का एक्सटर्नल, 10 नंबर का इंटरनल और 40 नंबर का एक्सटर्नल। ये याद रखिएगा, EVS जो होगा वो आपका OMR सीट में आएगा,
एग्जाम में एक OMR सीट आएगा, चार ऑप्शन होगा ABCD, उसको गोल गोल से ब्लैक पेन से भर भर के फिल करना है, ठीक है। सिलेबस के बारे में जान गए पूरा, कौन कितना मार्क्स का होगा, इंटरनल एक्सटर्नल सब जान गए। अब हम आप लोगों को ये जो बुक्स है उसके लिए कुछ अच्छे राइटर्स के नाम बताते हैं, और ये जो राइटर का नाम बता रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि यही राइटर का बुक को लेकर पढ़ना है, आप चाहें तो दूसरे राइटर के बुक को भी लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको पर्सनली इन राइटर्स का बुक अच्छा लगता है इसलिए हम ये रिकमेंड कर रहे हैं। नहीं तो आपके पास अगर कोई और राइटर का बुक है तो वो भी लेके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग को डॉक्टर शर्मा एंड गुप्ता इस राइटर का बुक आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी वाले लोग हिंदी में लेना, इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में, डॉक्टर शर्मा एंड गुप्ता, ठीक है। SBPD पब्लिकेशन का बुक आ जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के लिए डॉक्टर SM शुक्ला का बुक लेना है, SM शुक्ला का। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसके पास SK सिंह का बुक है वो ले सकते हैं, या TS ग्रेवाल का बुक ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का बुक ले सकते हैं, लेकिन हम पर्सनली आप लोग को रिकमेंड करेंगे कि आप लोग जो हो SM शुक्ला का ही बुक को रिकमेंड करना। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज, यानी इसके लिए आप लोग को लेना है उमा कपिला का, ठीक है। इसका जो एकेडमिक है वो 2019 वाला आप लोग को मिल जाएगा, ले लेना है उमा कपिला का। इसके बाद ये जो EBS है, चूंकि ये 50 नंबर का है ना, तो इसके लिए हम आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करते हैं 50 नंबर के लिए। गेस्ट पेपर आता है कोई, आप गेस्ट पेपर सेक पढ़ सकते हैं, इसके लिए विद्या गेस्ट पेपर ले सकते हैं, शर्मा गेस्ट पेपर ले सकते हैं, विकास का गेस्ट पेपर ले सकते हैं, या इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहें तो अलका पब्लिकेशन या किसी और पब्लिकेशन का भी गेस्ट पेपर को है जो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ नाम है, आप लोगों को इन्हीं राइटर्स का बुक को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खरीद लेना है, ठीक है। हम लोग सिलेबस जान गए, सब्जेक्ट्स जान गए, कौन कितना नंबर का पूछेगा ये जान गए, और कौन सा सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट बुक्स है, कौन कौन सा राइटर का बुक लेना है वो जान गए। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि एक एक सब्जेक्ट वाइज तरीके से बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। जो पहला हम लोगों का पेपर है पढ़ने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें आखिरकार कितना यूनिट है पढ़ने के लिए और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोग को कवर करना है। तो देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल आप लोगों को दिख रहा होगा 5 यूनिट है। कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट जो है उसमें पढ़ना है बिजनेस सिस्टम। एक बात हम पहले बता दे रहे हैं कि क्यों आप लोग का ग्रेजुएशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन को डाला है। यूनिवर्सिटी क्यों चाहता है कि सेकेंड सेमेस्टर में आप इस बुक को पढ़ो या इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। देखिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके थ्रू यूनिवर्सिटी जो है आपको ये बताना चाहती है, ये आपको सिखाना चाहती है, पूरे का पूरा आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नॉलेज हो। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन सा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से उस बिजनेस को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो मदद करती है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए कौन कौन सा लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस बना है। पूरे का पूरा बिजनेस के बारे में, बिजनेस के प्रिंसिपल्स के बारे में, बिजनेस का जो सपोर्ट करने वाला जो भी एलिमेंट्स है, उन सभी चीज़ों का आपको जानकारी हो, इसलिए आप लोगों को सेमेस्टर 2 में यह सब्जेक्ट डाला गया है। टोटल इसमें 5 यूनिट है पढ़ने के लिए। जो सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है बिजनेस सिस्टम। यहाँ आप लोगों को पूरे बिजनेस के बारे में पढ़ना है, बिजनेस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, यानी प्राकृतिक क्या है, विशेषताएँ क्या है, महत्व क्या है, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, ठीक है, कितने तरीके का व्यापार होता है, व्यापार में कौन कौन सा चीज़ है जो मदद करता है, ये सारा चीज़ पूरा बिजनेस के बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको बिजनेस ओनरशिप के बारे में पढ़ना है, यानी व्यवसाय स्वामित्व के बारे में। यहाँ आप लोगों को पढ़ना है एकाकी व्यापार क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस किस तरीके से चलता है, यानी कितने टाइप्स के बिजनेस ओनरशिप होता है इंडिया में, उन सब के बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत यहाँ आप लोगों को जैसे राष्ट्रीय कंपनी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया, नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, थोड़ा आपको WTO
के बारे में भी पढ़ना होगा, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। फिर आप लोगों को यूनिट 3 में लार्ज स्केल रिटेलिंग के बारे में पढ़ना है, यानी थोक विक्रेता जो होता है या जो फुटकर विक्रेता होता है, होलसेलर रिटेलर होता है ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि आखिरकार होलसेलर रिटेलर किस तरीके से अपना काम करता है। ठीक, इसके बाद द इकोनॉमिक साइज, इसमें आप लोगों को जो भारत का अर्थव्यवस्था है उसके साइज के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ना है। यूनिट 5 में फाइनेंसिंग फॉर न्यू वेंचर, यानी कोई भी जो बिजनेस या कोई भी जो कंपनी, कोई भी जो व्यापार खुलता है, उस व्यापार को आखिरकार पैसा कहाँ से आता है, फ्लो कहाँ से मिलता है, उन लोगों को कैपिटल कहाँ से जनरेट करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो पेपर है उसमें टोटल कितना यूनिट है पढ़ने के लिए, 5। इन 5 यूनिट में अलग अलग टॉपिक्स जो होगा वो आप लोगों को दिया हुआ होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही अब आप लोगों को दूसरा और तीसरा पेपर के बारे में भी बताते हैं क्या क्या पढ़ना है वहाँ। ये जो दूसरा हम लोगों का कोर पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन 2, पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल चैप्टर है। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पूछेगा, न्यूमेरिकल भी पूछेगा और थ्योरी भी पूछेगा। टोटल पता है आप लोग को 8 क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, इसमें से क्या होगा ना, 3 न्यूमेरिकल दे देगा, 3 न्यूमेरिकल और 4 आप लोग को थ्योरेटिकल दे देगा, सॉरी 5, 3 न्यूमेरिकल देगा तो 4 आपको थ्योरी देगा। इन्हीं सब चैप्टर से आपको थ्योरी मिलेगा और न्यूमेरिकल्स भी इन्हीं चैप्टर से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि सेमेस्टर 2 में आखिरकार फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 को क्यों डाला गया। देखो, यूनिवर्सिटी ये चाहता है कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पढ़ोगे ना, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार कंपनी में कौन कौन सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का अकाउंट्स बनता है और उस अकाउंट्स को मेंटेन किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर कंपनी अलग अलग होगा और अलग कंपनी अगर अलग अलग टाइप्स के बिजनेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों का ट्रांजेक्शन अलग अलग होगा। जब ट्रांजेक्शन्स अलग अलग होगा तो उसको अलग अलग अकाउंट्स में ही ना मेंटेन करना है। तो इस चैप्टर को पढ़ के, यानी इस सेमेस्टर 2 में इस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पता चलेगा और आपको यह भी पता चलेगा कि उन डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स में किस तरीके से जो है वो अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच, क्या पढ़ना है, ब्रांच। अच्छा, बात करते हैं कि ब्रांच होता क्या है। देखो, बताते हैं, जैसे कि मान लो इंडिया में पतंजलि है बाबा रामदेव का, पतंजलि का गुड्स वो प्रोडक्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट करने के बाद क्या वो खुद आते हैं बाजार में बेचने के लिए। पतंजलि का एक जगह हेड ऑफिस है, एक जगह क्या है, हेड ऑफिस है, और वो अपने सामानों को बेचने के लिए जगह जगह छोटा छोटा दुकान खोल दिए हैं। बोकारो में भी कई सारा पतंजलि का आपको दुकान मिलेगा, अलग अलग शहरों में पतंजलि का खूब सारा आपको दुकान मिलेगा, उन्हीं दुकान को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। पतंजलि का हेड ऑफिस कहीं और है लेकिन पूरे इंडिया के कोने कोने में पतंजलि का दुकान है, तो वही क्या कहलाता है, ब्रांच। तो जब पतंजलि का जो हेड ऑफिस है, जब वो अपने ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन करता है, गुड्स को सप्लाई करता है, गुड्स को बेचता है, पेमेंट करता है, पैसा रिसीव करता है, गुड्स रिटर्न लेता है, जितना भी अपने ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शंस करता है, ट्रांजेक्शंस किस तरीके से करता है, कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, अकाउंट्स का क्या नियम है, उन सब को हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर ब्रांच में। ठीक, दूसरा है पढ़ने के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, विभागीय खाता। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब है एक ही जगह पे अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया जाता है। जैसे एक मॉल है, एक मॉल के एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको कई सारे आपको दुकान देखने को मिल जाएंगे। कपड़ा के लिए अलग दुकान है, राशन के लिए अलग दुकान है, जूता चप्पल के लिए अलग दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग दुकान है, हर चीज़ का अलग अलग दुकान आपको देखने को मिलता है, उसे ही बोलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में जब कभी भी ट्रांजेक्शन होता है तो किस तरीके से डिपार्टमेंट में खाता बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। ठीक, फिर है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जब एक गुड्स का प्रोड्यूसर होता है, यानी उत्पादक या निर्माता, जब वो सामान को बनाता है तो उस सामान को बेचने के लिए वो क्या करता है, ब्रोकर को रखता है और ब्रोकर को बोलता है कि आप मेरे सामान को मार्केट में बेचो और जितना मेरे सामान को आप मार्केट में बेचोगे हम आपको उतना ही क्या देंगे, कमीशन देंगे। क्या देंगे आपको, उतना ही हम कमीशन देंगे, इसे ही बोला जाता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है,
फिर हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलके कुछ टेम्पररी समय के लिए, थोड़े समय के लिए जब एक बिजनेस को चलाते हैं, और जैसे ही बिजनेस का मोटिव पूरा हो जाता है वैसे ही दोनों साझेदारी को तोड़ के अलग हो जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर में कैसे अकाउंटिंग किया जाता है ये पढ़ेंगे। फिर डेप्रिसिएशन, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, एक फिक्स एसेट होता है, खरीदते हैं, यूज करते हैं, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन कटता है। डेप्रिसिएशन कई मेथड से कटता है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक, अकाउंट्स बनाने सीखेंगे, यहाँ एसेट का अकाउंट बनाने सीखेंगे, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने सीखेंगे, पीएल एंड लॉस अकाउंट बनाने सीखेंगे और उसका जर्नल एंट्री। इसके बाद इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग। इंसॉल्वेंसी जैसे नाम से समझ में आ रहा है, हम लोग सेमेस्टर वन में पढ़े थे ना डिसोल्यूशन टू, वहाँ पार्टनर लोग दिवालिया हो जाता था ना, उससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे यहाँ, कि जब कोई पार्टनरशिप फार्म या कोई कंपनी जब दिवालिया हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने कंपनी को बंद करने से पहले, ताला लगाने से पहले कई तरीके के वो लीगल्स प्रोविजंस को पूरा करता है, कोर्ट जाता है, कोर्ट में जा कर के वो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवा कर आता है, कई तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना कर आता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग में। और सबसे लास्ट में अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, आप लोगों को भी यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेंगे यहाँ का, थोड़ा बहुत क्या पढ़ेंगे, नाम भर का थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे सिंगल जर्नल एंट्री सिस्टम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, उन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इन सभी चैप्टर से जितना इम्पोर्टेंट इसका न्यूमेरिकल्स पढ़ना है उतना ही इम्पोर्टेंट थ्योरी भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों पूछा जाने का चांस होता है चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग दो टॉपिक्स के बारे में, दो सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिए, पहला कोर पेपर, दूसरा अब आओ अभी जर्नल इलेक्टिव पेपर के बारे में बात करते। अच्छा, एक बात और बताने भूल गए थे, ये जो सिलेबस आप लोग को अभी लिखवाए थे वो ऑनर्स और जर्नल दोनों के लिए है, क्योंकि सेमेस्टर टू में ऑनर्स और जर्नल दोनों का सिलेबस सेम है, ऑनर्स पेपर के लिए भी यही सिलेबस है और जर्नल पेपर के लिए भी यही सिलेबस है, मतलब सेम सिलेबस है, कुछ बदला हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऑनर्स स्टूडेंट को जो जो पढ़ना है, जर्नल स्टूडेंट को भी वो पढ़ना है। ठीक है, चलो देखिए, ये जो है हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्यों ये सब्जेक्ट आप लोगों के सिलेबस में है, इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट जो है इसका मेन फोकस है, इसके द्वारा आप इंडिया के पूरे इकोनॉमिक को समझ सकते हैं कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो प्रेजेंट टाइम में किस तरीके का है। ठीक है, क्यों भारत एक विकासशील देश ही है अभी तक विकसित नहीं हो पाया है, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, यानी भारत का पूरे देश के अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है और भारत का अपना अर्थव्यवस्था किस तरीके से है, किस तरीके से भारत का अर्थव्यवस्था चलता है। यहाँ भारत को बोला जाता है कृषि प्रधान देश, एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन भारत में जो कृषि सिस्टम है क्यों वो उतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, भारत के कृषि में किस किस तरीके की कमी है और भारत सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या कर रही है, और साथ ही साथ ये जो इकोनॉमिक सेक्टर है इस इकोनॉमिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया गया है, मतलब कौन कौन सा संस्था या कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशंस या कौन कौन सा लॉ है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जो इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करता है, यहाँ के इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है इसको चार यूनिट में बांट दिया। पहला यूनिट का नाम है चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी इसमें आप लोग को ये बताया जाएगा कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से बदल रहा है, पहले का भारत का अर्थव्यवस्था किस तरीके से था, फिर आज अर्थव्यवस्था किस तरीके का है और आने वाले समय में कितना तेजी से ये बदल रहा है, विकास किस तरीके से हो रहा है भारत के अर्थव्यवस्था में, उसका क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट है ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारत का जो कृषि विभाग है, खेती प्रधान देश है भारत, तो आखिरकार एग्रीकल्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है, कृषि क्या है, कृषि कितने टाइप्स के होते हैं, भारत का कृषि किस तरीके का है, कौन कौन सा कमियां है और उन्हें किस तरीके से दूर करना है और भारत सरकार किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तीसरा यूनिट में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, यहाँ हम लोग पूरा का पूरा इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। इंडस्ट्री में कुछ कुछ प्रमुख इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, कपास उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया और जूट उद्योग। ये 5-6 ऐसा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है भारत का, जिसके बारे में पढ़ना आप लोगों को जरूरी है। और एग्जाम में इंडस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे चीनी इंडस्ट्री पूछेगा, कपास इंडस्ट्री, इसी तरह से इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में पढ़ना है हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन सभी चीज़ों को, भारत का अर्थव्यवस्था और कृषि को सपोर्ट करने के लिए जो है वो कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप्ड किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और बच जाता है EVS, इन्वायरमेंटल साइंस 50 नंबर के लिए। तो EVS के लिए हम स्पेशली बता नहीं सकते हैं कि कौन कौन सा यूनिट है, क्योंकि बहुत लेंथी यूनिट है। तो उसके लिए आप लोग विद्या का गेस्ट पेपर ले लीजिएगा, MCQ का तैयारी वहीं से कीजिएगा। हाँ, इतना बता सकते हैं कि EVS में क्या पढ़ना है। EVS में पूरा इन्वायरमेंटल साइंस है, ठीक है, पूरा पर्यावरण विज्ञान है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल साइंस। वायु प्रदूषण किस तरीके से हो जाता है, मृदा प्रदूषण किस तरीके से हो जाता है, जल प्रदूषण क्या है, इस तरीके का जो है पूरा पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओजोन क्या है, ओजोन परत क्या होता है, कैसे कमियों को दूर किया जाता है, किस कमी से कौन सी बीमारी होती है, इस तरीके के इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा डिटेल्ड में समझ में आ गया है कि सेमेस्टर 2 में क्या क्या सिलेबस है, कितना कितना मार्क्स का पूछेगा, कौन कौन सा अच्छा बुक्स है पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ उस बुक्स में, उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा यूनिट है पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।